ये है सबसे बड़ा हवन कुंड जहाँ पर आहुतियाँ डाली जा रही है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देखिए 1008 दर्भदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है और सभी लोग सीताराम का जाप कर रहे हैं। इधर 1008 कुटिया बनाई गई है, सभी लोग यहाँ पर भक्ति में लीन होके झूम रहे हैं। यहाँ पर 21,000 नेपाली पंडित बुलाए गए हैं और यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है। देखिए कैसे महिलाएं यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है। ये पूरा का पूरा नजारा मैं आपको अयोध्या के राम घाट का दिखा रहा हूँ, सरयू तट का, किस तरह से कुटिया बनाई गई है, किस तरह से लोगों को रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ये भी आप लोग देखिए। और यहाँ पर रोजाना 1,00,000 लोग खाना खाने के लिए आते हैं, जो लोग भी नेपाल से आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस के ब्लॉग। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं अयोध्या नगरी के राम घाट पे, जहां पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहां पर 1008 यज्ञशाला बनाए गए हैं और लगातार यहां पे हवन हो रहा है और ये मेन हवन कुंड है, सबसे बड़ा हवन कुंड है। आपको बता दें मेरे पास एक कार्ड भी है जिसमें नेपाल से 21,000 पंडित यहाँ पर शामिल हुए हैं और जो मेन बाबा हैं, जो ये यज्ञ करवा रहे हैं, वो मेन नेपाल के ही हैं, लेकिन उनका मकान, उनका घर अयोध्या में ही है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है दिनांक 14/1/2024 से 25/1/2024 तक ये महायज्ञ चलने वाला है। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 21,000 नाम जापक, 1,000 शिवलिंग स्थापित कर सीताराम का जाप करेंगे। 1,100 दंपति 100 कुंडों में 9 दिवसीय राम मंत्र से हवन करेंगे। और ये उनका कार्ड है, ये मेन बाबा की तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, जो ये महायज्ञ करवा रहे हैं। और इसको करवाने में करोड़ों का खर्चा आ रहा है और नेपाल से जितने लोग भी आए हैं उनके यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी हुई है, उनको सोने बैठने की व्यवस्था करवाई गई है, कंबल वगैरह सब मिल रहा है। और यहाँ पर पूरी जानकारी इसमें दी गई है कि किस किस दिन क्या पर यहाँ पर क्या चीजें हो रही हैं। यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखा दूँ, परम तपस्वी संत श्री आत्मानंद दास महात्यागी नेपाल बाबा के तत्वाधीन में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये मेन बाबा का नाम है जो ये महाकुंड यज्ञ करवा रहे हैं। और अभी मैं आपको यहाँ का पूरा नजारा दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये महायज्ञ करवाया जा रहा है। 1,00,000 श्रद्धालुओं के भोजन और प्रसाद की व्यवस्था 9 दिवसीय होगा, यानी ये 9 दिन तक ये चलेगा और पूरा भोजन वगैरह यहाँ पर 1,00,000 प्रतिदिन लोगों को खिलाया जा रहा है। तो ये मेरे पास उनकी पर्ची है जो मैं अभी एक बाबा से लिया हूँ, जिसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा कि किस दिन क्या होगा। तो आइए आपको मैं पूरा इस महायज्ञ जहाँ पर हो रहा है इसका टूर करके दिखाते हैं कि किस तरह से अयोध्या के रामघाट पे इस महायज्ञ का आयोजन किया गया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और हमारे पीछे देखिए ये हवन कुंड का मेन जो हवन कुंड है वो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले महायज्ञ जहाँ पर हो रहा है, एंट्री करते समय आपको सामने का कुछ दृश्य इस तरह से दिखेगा। पहले यहाँ पर बहुत ही बड़ा जंगल हुआ करता था, ये मेन हाईवे के बगल का दृश्य है, लेकिन आज के समय में यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और साइड में देख सकते हैं आप लोगों को ढेर सारी दुकानें देखने को मिल रही होंगी, जहाँ पर खाने पीने का सामान से लेकर रुद्राक्ष वगैरह, प्रसाद वगैरह सब कुछ मिल रहा है। और ये बाहर का नज़ारा है। और ये राम घाट पे अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, वहीं पर यज्ञ जो है उसका आयोजन किया गया है। जहाँ पर अंदर यज्ञशाला है, जहाँ पर ये हवन हो रहा है ना, वहाँ पर हर जगह शिवलिंग रखा गया है, करीब 1,000 शिवलिंग रखा गया है। और वहाँ पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया है, पूजा पाठ चल रहा है, सीताराम का जाप चल रहा है। इसी रास्ते से हमें मेन अंदर चलना है। फिलहाल हमें सब कुछ अपना चेक करवाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए बजरंग बली बन के अंदर जा रहे हैं, ये भी नेपाल से आए हुए हैं। और ये राम घाट का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर पूरा ना जंगल हुआ करता था, लेकिन आज के समय में यहाँ पर बहुत ही बड़ी यज्ञशालाएँ बना दी गई है। और किस तरह से पेड़ मंदिर का मुख्य गेट यहाँ पर बनाया गया है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। आगे काफ़ी बड़े बड़े बांस के भट्टे लगाए गए हैं और यहाँ पर पूरे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग हवन कुंड का नज़ारा और कितनी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है।
सभी लोगों के गले में आप लोग एक गमछा देख रहे होंगे जहाँ पर सीताराम का नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये है बेड हवन कुंड, यानी कि सबसे बड़ा हवन कुंड। इस पे भी लोग चारों तरफ बैठ के ना यहाँ पर हवन कर रहे हैं, हवन में आहुति दे रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी अंदर करी गई है, किस तरह से यहाँ पर खाना वगैरह लोगों को खिलाया जा रहा है, जो भी नेपाल से 21,000 लोग आए हुए हैं। तो अभी हम आपको अंदर चल के अच्छे से दिखाते हैं दोस्तों। अभी हम आपको अंदर ले चल कर दिखाएंगे कि किस तरह से महायज्ञ का आयोजन किया गया है, कितने ज़्यादा पंडित अंदर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए ये लोग नकली रुद्राक्ष बना के कहते हैं कि ये पेड़ पे लगा हुआ रुद्राक्ष है, तो इसको अगर आप लोग ना खरीदें तो वही बेहतर है, लेकिन बहुत सारे लोग खरीदते हैं, ये असली नहीं रहता है। फिलहाल आइए अब अंदर चलते हैं। तो देखिए इधर किस तरह से साइड में दुकानें लगी हुई है और सबके गले में आप लोग देख रहे होंगे तो राम सीता का ये जो गमछा है वो लोग लपेटे हुए हैं, क्योंकि ये सभी लोग ना नेपाल की तरफ से आए हुए हैं और ये सभी लोग पंडित के घरानों से जो है वो ताल्लुकात रखते हैं। बेड गेट अंदर बनाया गया है जहाँ पर झंडे टंगे हुए हैं, वहाँ पर हमें चेक इन कराना पड़ेगा, उसके बाद अंदर एंट्री हमें मिलेगी। ये है बेड गेट। तो आइए चलिए अंदर चलते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग चेक इन करा के अंदर आ चुके हैं और देखिए बेड गेट के अंदर आ चुके हैं। बेड गेट सामने ही है जहाँ पर पुलिस वाले सब कुछ चेक करते हैं, उसके बाद एंट्री देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बनाया गया है सबसे बड़ा हवन कुंड जहाँ पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है, श्री राम जी को और हनुमान जी को खुश करने के लिए। ये है भाई साहब हवन कुंड। यहाँ पर अंदर किस तरह से हवन चल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाऊंगा। यहाँ पर पूरी सुरक्षा लगी हुई है और सभी लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस महायज्ञ में शामिल है वो दिखा रहा हूँ। इधर हवन कुंड हो गया और इधर यज्ञशालाएँ बनाई गई है भाई। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर महायज्ञ किया जा रहा है वहाँ पर किस तरह से लोग जोड़ी में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है राम के नाम की आहुति दे रहे हैं। और यहाँ पर महायज्ञ का आयोजन इसी तरह से किया जा रहा है, सभी लोग लाइन से बैठे हुए हैं। श्री राम कथा और श्री हनुमत महायज्ञ को लेकर बड़ा भक्तमाला की बगिया में ये तैयारियां की गई है। यहाँ पर करीब 80 एकड़ जमीन पर 1008 कुंड बनाया गया है और ये 14 से करीब 25 जनवरी तक होने वाला है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोगों को रुकने की भी व्यवस्था की गई है, ये लोग कहाँ पर रुकते हैं, किस तरह से खाना पीना खाते हैं वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से लोग इस हवन कुंड के सामने बैठे हुए हैं जहाँ पर ये महायज्ञ का जाप लगातार किया जा रहा है। एक तरफ श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और दूसरी तरफ ये महायज्ञ का आयोजन जो है वो किया गया है। और आपको बता दें इस सरयू तट पर 2121 कुंडी श्री राम महायज्ञ जो है वो शुरू हुआ है। इसमें श्री राम के वंशज कहे जाने वाले लगभग 10,000 रघुवंशी विभिन्न राज्यों से आकर आहुति डाल रहे हैं। इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए करीब एक माह से सरयू तट पर 80 एकड़ भूमि में हवन कुंड और टेंट सिटी बनाई गई है। ये जो सरयू तट पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है ना, इसमें श्री राम नाम महायज्ञ का भव्य आयोजन हुआ है। यह बृहद अनुष्ठान संत आत्मानंद दास महात्यागी नेपाली बाबा के संयोजन में है जो है वो हो रहा है। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। वो कहाँ पर की गई है, इसके आगे की गई है, अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ आखिर कहाँ पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई है जहाँ पर राम नाम का और हनुमान जी का महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है, जो लोग भी दूर दराज से नेपाल से लोग आए हुए हैं वो लोग लगातार यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको पता होगा कि सरयू तट पर महायज्ञ के लिए नीचे बैठ के ही भोजन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं और भोजन की व्यवस्था स्टेट में की गई है। लगातार यहाँ पर पूरी सब्जी दाल चावल जो भी है यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था की गई है और सभी लोग यहाँ पर खाना पीना अपना आराम से खा रहे हैं। तो आइए अब चलिए बाहर और आपको 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना जहाँ पर हुई है वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों ये है वो बहुत ही बड़ा सा यज्ञशाला, जो सबसे बड़ा हवन कुंड है जहाँ पे ये यज्ञ किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाजू में ही 1008 यज्ञशाला बनाए गए हैं जिसमें नेपाल से आए हुए
जो भी पंडित लोग हैं वो अपना यज्ञ वगैरह हवन वगैरह कर रहे हैं। इस जगह पर 1008 जो है यज्ञशालाएं बनाई गई है और ये बड़ा सा हवन कुंड बनाया गया है और इधर यज्ञशालाएं बनाई गई है। तो आइए चलिए मेन गेट से एंट्री करते हैं और आपको अंदर लेकर चलकर दिखाते हैं कि किस तरह से लोग भक्ति में लीन है और यहाँ पर किस तरह से उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। तो देखिए चारों तरफ सीताराम लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए लगातार लोग ढोल वगैरह बजा रहे हैं और बीच में शिवलिंग रखा हुआ है और यहाँ पर 1008 शिवलिंग रख कर लोग इस यज्ञ का जाप कर रहे हैं। तो इसी रास्ते से हमें अंदर चलना है और इधर भी पहले आपको दिखा दूं, जहाँ भी आप लोग नज़र दौड़ाएंगे ना आपको इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। बीच में लोग शिवलिंग रखे हुए हैं और यहाँ पर पूजा पाठ चालू है। आइए यहाँ पर हम लोग मेन गेट से एंट्री लेते हैं और यहाँ पर देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं और किस तरह से लोग भक्ति में लीन है और यहाँ पर 1008 कुटी भी बनाई गई है जिससे 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई है। देखिए बीच में पूरा शिवलिंग रखा हुआ है सामने और यहाँ पर सभी लोग सीताराम का और महादेव जी का यहाँ पर लगातार जाप कर रहे हैं और आराम से यहाँ पर लोग सभी लोग भक्ति में लीन है। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको सबसे बड़ा जहाँ पर शिवलिंग रखा गया है जहाँ पर औरतें पूरा घूम रही है अपना उसका भी नज़ारा दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है, उसी कुटिया के अंदर लोग ये पूजा पाठ का आयोजन कर रखे हैं। आपको बता दें कि 17 से रामायण से 24,000 श्लोकों से जो हवन है वो शुरू हुआ है और 25 जनवरी तक ये चलेगा। नेपाली बाबा ने बताया है कि हर दिन 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही हर दिन करीब 1,00,000 श्रद्धालु यहाँ पर भोजन करेंगे। तो ये सभी लोग यहीं पर भोजन भी करते हैं, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर इस यज्ञ में शामिल होते हैं। इधर देखिए किस तरह से लोग भक्ति में लीन होके नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और ये सभी लोग पूरी तरह से भक्ति में लीन हो चुके हैं, सीताराम का जाप कर रहे हैं और यहाँ पर बजरंग बली जी की पोशाक में ये अंकल जी यहाँ पर, और इधर देख सकते हैं सारी महिलाएं भक्ति में लीन होकर झूम रही हैं सीताराम के नाम पे। किस तरह से आपको मैं पूरा 1008 जहाँ पे ये यज्ञशालाएँ बनाई गई है उसके अंदर मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर किस तरह से ये बड़ी यज्ञशाला बीच में बनाई गई है, चारों तरफ से सीताराम का जाप लिखा हुआ है और अंदर बहुत ही बड़ा यहाँ पर शिवलिंग भी रखा गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि बड़ा वाला शिवलिंग कहाँ पर रखा गया है। जो सबसे बड़ा यज्ञशाला बनाया गया है ना इसके अंदर बहुत ही बड़ा शिवलिंग रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी महिलाएं अंदर झूम रही हैं और ये बीच में रहा सबसे बड़ा शिवलिंग। देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको पूरा वीडियो झूम करके अच्छे से दिखा रहा हूँ और इसके चारों तरफ सभी महिलाएं भक्ति गाने पे भाई सीताराम के जाप पे झूम रही है, पूरा भक्ति में लीन हो चुकी है। ये सारी महिलाएं नेपाल से आई हुई हैं और ये सभी लोग यहाँ पर किस तरह से भक्ति में लीन है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये राम घाट का नज़ारा, अयोध्या का सरयू तट का नज़ारा है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये सभी लोग यहाँ पर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। आइए आपको अब अंदर ले चलकर अच्छे से दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ जिधर भी आप अपनी नज़र दौड़ाओगे ना इसी तरह की छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है जिसपे लोग इन यज्ञशालाओं का आयोजन किए हुए हैं और यहाँ पर सभी लोग बैठ के जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ में लीन है। आइए अब हम अंदर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये लोग रुके कहाँ पर है। तो इस तरह से बीच में ग्रीन कलर का कपड़ा यहाँ पर लगा दिया गया है, एक तरफ से जाने का रास्ता, एक तरफ से आने का रास्ता और दोनों तरफ छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है। ये कुटिया करीब 1008 कुटिया यहाँ पर बनाई गई है और इस तरह से ये लोग शिवलिंग सामने रख के पूजा पाठ कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है सरयू तट पर वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए सभी लोग सीताराम का भाई गमछा ओढ़े हुए हैं और इसी तरह से नीचे पालथी बिछा के उसके ऊपर पूरा पूजा पाठ का सवार रख के शिवलिंग रख के अपना आराम से ये सीताराम का जाप कर रहे हैं और इस तरह से ये छोटी छोटी कुटिया बनाई गई है जैसे साधु संत बैठते हैं जिस कुटिया में, चारों तरफ ये कुटिया बनाई गई है, उसके ऊपर भगवा लहराया गया है भाई, अपना जो झंडा होता है सनातन का वो लहरते हुए दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर देखिए पूजा पाठ चालू है, शिवलिंग रखा गया है चारों तरफ और यही सामने लोग इस तरह से अपना बाड़ा बना के, जैसे इलाहाबाद में बाड़ा होता है ना भाई, इधर घड़ी लगाया गया है और इधर देखिए बाड़ा बनाया गया है। इस तरह से लोग अपने परिवार के साथ इन्हीं बाड़ों में
पूरा यहाँ पर जितने दिन ये होगा 10 दिन पूरा दिन यहीं पर बिताएंगे और यहीं पर ये लोग रहते हैं रात में दिन में। देखिए किस तरह से लोगों के लिए रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और ये है जहाँ पर यज्ञशालाएँ बनाया हुआ है वो जगह। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर 1008 यज्ञशाला बनाया गया है, सीताराम का जाप किया जा रहा है। मैं उसके अंदर आ चुका हूँ और आपको यहाँ पर लाइव वीडियो दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर वो पुरुष हो या स्त्री लोग हो वो सभी लोग सीताराम का जाप करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पीछे देखिए किस तरह से यहाँ पे ये सारा चीज चल रहा है भाई, सीताराम का जाप हो रहा है। वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव कवर करके दिखा रहा हूँ। ये सभी लोग नेपाल से बुलाए गए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, किस तरह से भक्ति भाव में ये लोग लीन है, किस तरह से डांस कर रहे हैं, सब कुछ पूरा दिखा रहा हूँ और आगे भी दिखाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ मेन गेट पर देखिए लिखा है रुद्राभिषेक एवं 9 दिवसीय अष्टयाम प्रवेश द्वार, इसी रास्ते से आप लोग अंदर जा सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है मैं आपको इस वीडियो में पूरा लाइव दिखा रहा हूँ। और ये सभी लोग ना नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल मंडल के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग अयोध्या में जहाँ पर हवन कुंड बनाया गया है, जहाँ पर यज्ञशाला और हवन हो रहा है, वहाँ का पूरा वीडियो एक्सप्लोर कर लिया है। आप लोग जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे साथ है अनुज भाई, एसके भाई, एसके शूटिंग लोकेशन, अनुज क्रॉस और अजय अनुदेव व्लॉग्स। तो सभी लोगों के चैनल पे अयोध्या की लगातार वीडियो मिलती रहेगी और हम लोगों ने जो हवन हो रहा है उसका पूरा वीडियो एक्सप्लोर करके इस वीडियो में दिखाया है। तो उम्मीद करूंगा 8 यज्ञशालाएं बनी है बताओ यहाँ पे, और हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया पूरा अच्छे से एकदम, और एक नंबर बनी है भाई, मजा आ रहा है यहाँ पे। जो ढोल मजीरा श्री राम का भजन हो रहा है भाई, एक नंबर भाई, मैं तो बहुत तगड़ा लगे भाई, आ रही है काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आ रहे हैं लगातार। और यहाँ पर 21 संत महात्मा आए हुए हैं, पंडित 21,000 तो घर बैठ के जो टिप्पणी कर रहे हैं वो एक बार अयोध्या जरूर आए, उनको पता चलेगा बदल जाएगा क्या राम भक्त। और गाइज 500 वर्ष में हम लोग की ऐसी पीढ़ी है जो ये दृश्य हम लोग देख रहे हैं, राम जी वापस आ रहे हैं हम लोगों की पीढ़ी में, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जाके सबके चैनल पे बहुत सारी वीडियो अयोध्या का देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।